लोका तो क्यों डरदे हो कि तुसी कुरान दी ओ आयत नहीं सुनी, अल्लाह जिसनु चावे इज्जत बख्श दवे ते अल्लाह जिसनु चावे जिल्लत दे दवे। कई बार इज्जत दे विच जिल्लत छुपी हुंदी है ते कई बार जिल्लत दे विच इज्जत छुपी हुंदी है। ये हुण इंसान ने खुद तय करना हुंदा है कि वह किस रस्ते ते चल रहा है और वह किस चीज़ का हकदार है। ये कहना है बॉलीवुड की एक्ट्रेस सना खान का। जी हाँ, सना खान ने भावें बॉलीवुड नूं अलविदा कह दिता है पर अज भी सना खान सुर्खियां दे विच बनी हुई है। आए दिन सना खान सोशल एक्टिविटीज़ नूं लैके कई बार सोशल मीडिया ते एक्टिव भी रहिंदी है। फंदाज़ी ने कि सना खान ने 20 नवंबर नूं मुफ्ती अनस सैयद दे नाल व्याह करवा लिया सी। व्याह तो पहला ही सना खान ने बॉलीवुड नूं अलविदा कह दिता सी। भावें उन्होंने बॉलीवुड नूं अलविदा तां कह दिता पर अज भी सना खान दे चर्चे पूरी बॉलीवुड दे विच ने। तो सना खान वालों आए दिन सोशल मीडिया के उत्ते अपने हसबेंड अनस सैयद के नाल कुछ तस्वीर सांझिया कीतियां जांदियां ने। सो एक तस्वीर अजिही ही उन्होंने सांझी की अपने हसबेंड अनस सैयद के नाल जिस दे विच सना खान दे प्रॉपर तरीके दे नाल हिजाब पाया हुंदा है। तां दस्सदे ने कि सना खान व्याह तो बाद वैसे ही हिजाब लुक दे विच नज़र आती है। सो जो उन्होंने पिक्चर अपने सोशल मीडिया के उत्ते अपने हसबेंड अनस सैयद के नाल शेयर की उस दे विच हिजाब लुक नूं लैके ट्रोलर्स वालों उन्होंने खूब ट्रोल भी किया गया। कई वालों उन्होंने इस पिक्चर को खूब पसंद भी किया गया। सना खान के इस लुक नूं, इस अंदाज नूं फैंस वालों पसंद भी किया जा रहा है पर कई ट्रोलर्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। उन्होंने इस तस्वीर पर एक यूजर ने कमेंट करके कहा कि इन्ने पढ़े लिखे होने का की फायदा जेकर तुसी पर्दे दे विच रहना है। उन्होंने वालों कहा गया कि इन्ने पढ़े लिखे होने का की फायदा जेकर तुसी पर्दे दे विच यानी हिजाब दे विच ही रहना है। उते ही सना खान वालों उस यूजर नूं जवाब दे विच लिखा गया कि डरदे किस तों, लोकां तों क्यों डरना है कि कुरान दी तुसीं ओह आयत नहीं सुनी कि रब जिसनूं चाहे इज्जत बख्श दवे ते जिसनूं चाहे जिल्लत दे दवे। हुण इह तुसीं तय करना है कि इज्जत दा रस्ता किहड़ा है अते जिल्लत दा रस्ता किहड़ा है। तुहाडे उत्ते डिपेंड करदा है, तुसीं देखना है तुसीं किस रस्ते ते चल रहे हो। सना खान तों अंदाज़े कि बॉलीवुड दे विच काफ़ी नाम कमा चुकी है पर ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨਾ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾ ਖਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਸਨਾ ਖਾਨ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਨਾ ਖਾਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਜਾਬੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਟ੍ਰੋਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਨਾ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੋਲਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।